Get Gondo. तारा आ गया है बिग बॉस सदन 11। आदाब सत श्री अकाल जय श्री राम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी कंटेस्टेंट को बिग बॉस सदन में एंट्री दे दी गई है, लेकिन सदन के अभी भी ताला लगा हुआ है। भाई अब देखते हैं कितना मजा आने वाला है इस बिग बॉस सीजन 11 में। रोन लियोन बीकानेरी बॉय चैनल पर आइए। मकान बनाते बनाते पूरे खानदान बिकने वाला वाला मैं 3 महीने नहीं पूरी जिंदगी रात बैठा। तू यहाँ रहेगा तो फेस्टिवल में कौन जाएगा? फेस्टिवल कहीं? फेस्टिवल भाई न्यू ईयर पार्टी 2018 पार्क पैलेस बीकानेर, वहाँ कौन जाएगा? तू यहाँ रहेगा तो बिग सेट आप सभी का। बिग बॉस जी एक रुक क्या? ओके बिग बॉस सेट जी क्या बोल रहे हैं? बिग बॉस सेट आप सभी का बिग बॉस सदन 11 में स्वागत करता है। जल्दी आपको टास्क बता दिए जाएंगे। किचन आपके बगल वाले रूम में है। मोहित बिग सेट चाहते हैं कि आप कन्फेक्शन रूम में आए। मोहित कन्फेक्शन रूम का मतलब एक खुफिया रूम होता है, बाथरूम नहीं। ये चीज आपको सीख लेनी चाहिए। आपको बिग बॉस चाहते हैं कि आप कन्फेक्शन रूम में आए। मंत्रियां लाग रहे हैं वो मोड़ी है नी मेरे वाला बिग बॉस सदन सेटिंग है। सारी सामग्री किचन रूम में पड़ी है और मेरे को घर का कैप्टन घोषित कर दिया है। जैसा कि आपने देखा कि बिग बॉस के सभी सदस्य बिग बॉस के घर में जा चुके हैं और मोहित को सेट ने कैप्टन भी बना लिया। अब थोड़ी देर में बीकानेर स्टाइल में जाफरी रजनीगंधा विराज जोर झपाट आपको देखने को मिलेगा इस बीकानेर बॉयज के साथ। तो आइए आपको ले चलते हैं बिग बॉस के घर में और मैं आपको मिलूंगा चुम्मे की रात। तू 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 तारा बिग बॉस सीजन 11। बिग सेट आप सभी सदस्य को बताना चाहते हैं कि इस घर में आपत्तिजनक कोई भी चीज नहीं होगी। भानु सॉरी बिग सेट। मोहित बिग सेट जानना चाहते हैं कि आप ठीक तो हैं? मारे बचीड़ दे दियो। बिग सेट चाहते हैं कि आप सभी लोग लिविंग एरिया में आए। लिविंग एरिया में आप सभी सदस्यों का स्वागत है। जी 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 बिग बॉस। थैंक यू बिग बॉस। इस हफ्ते की नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। जी
अमित आप कन्फेक्शन रूम में आए और इस हफ्ते के नॉमिनेशन को बताएं। अमित नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। हर सदस्य को नॉमिनेट करने से पहले आपको एक कारण बताना जरूरी है। बिग बॉस मेरा पहला नॉमिनेशन है, आशीष को नॉमिनेट करना चाहता हूं। वो रजाई में आग लगा देता है, पूछो क्यों? क्यों पाते हैं वो पूरी रात पाते हैं, आग लगाते हैं, हूं भर दू। आप जा सकते हैं। जी मोहित। जी बिग सेठ। बिग सेठ मैं आशीष को नॉमिनेट करना चाहता हूं क्योंकि वो सफाई से नहीं रहता, चार चार दिन तक ब्रश नहीं करता, हमारे बीच बैठ के खाना खाता है और पॉटी करने के बाद हाथ भी नहीं धोता। आप जा सकते हैं। जी बिग सेठ। आप जा सकते हैं। थैंक यू बिग बॉस। आप जा सकते हैं। थैंक यू बिग बॉस। आप जा सकते हैं। धन्यवाद बिग सेठ। बिग बॉस आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि रुक जा बिग बॉस कुछ बता रहे हैं, बिग बॉस कुछ बता रहे हैं, रुक जा। अरे बता दो, मैं पेट में भी बाइटा आ रहे हैं, आज निकल गई है और आज बच्ची है, मैं जानते हैं। इस हफ्ते के नॉमिनेटेड सदस्य आशीष और बानू है। बानू भी नॉमिनेट हो गए पूरी भीड़ आ गई। नीचे पड़े पापा ने बिका नहीं रहा छोरा, नीचे तो घंटा ही घुसवा तू के जपान दौड़ोगे। अरे ओ माथा बड़ी मत कर मुझसे, अट्टे घुमकाऊंगा। घुका ले, मैं तो मजाक समझो, तू सच में घुका ले रहे? ओए मेरे भाई को हाथ मत लगाना। चल रे, अरे बाप ने बाप पे मत चला, बाप पे तो बाप पर नहीं जाऊं तो कि थारे दादे पर जाऊंगी। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? केम छो मजा मत छो सत श्री अकाल अदा, कैसे हो सब? तो देखते हैं बिग बॉस में, बिग बॉस के सदन से कौन घर से बेघर होता है। आइए ले चलते हैं। तू 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 तारा बिग बॉस सीजन 11। मीठे का तड़का लगा के दिल सुबह शाम रात में नींद